संयोगों की तथा परिस्थितियों की हम शिकायत न करें, क्योंकि शिकायत करना बेकार है, अविचारित रम्य है, क्योंकि हमारे दुखी होने की योग्यता के बिना वे समस्त संयोग और परिस्थितियां अकिंचित कर रही है। डू नॉट गेट अपसेट विथ पीपल एंड सिचुएशंस, बोथ आर पावरलेस विदाउट योर रिएक्शन। काफी चर्चा सुबह चल चुकी है, ये जैन दर्शन की पूरी दम है जो ये कहती है पूरा विश्व भी जुट जाए एक तरफ, कृष्ण और बलभद्र दोनों लगे थे एक तरफ, कुछ नहीं कर सके। कितनी पावरफुल पर्सनालिटी, सभी बातों में समृद्ध है, कितनी ताकत है एक एक में। अब वे तो सामने है, यहाँ पर ये कह रहे तीन लोग भी लग जाए, और भी लग जाते ना ऐसे, आज तक बने हुए समस्त नारायण और बलभद्र से भी लाइन में लगते ना तीन काल के, उनको निकलना पड़ता वहां से। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। काफी चर्चा हुई जब मैजिस्ट्रेट ने बहुत अच्छे से पूछ लिया था आपको वहां पर कि आप तैयार हो, आपकी आपकी तैयारी से शादी हो रही है, अथवा आप तैयार हो प्रॉपर्टी अपने भाइयों को देने के लिए। जी हाँ, आप पर कोई सेकंड क्वेश्चन था मैजिस्ट्रेट का, आप पर कोई प्रेशर, कोई दबाव, आपके भाइयों के सामने, आपके लाइफ पार्टनर के सामने प्रश्न पूछा गया था। ऐसा होता है, किसी ने नोट किया होगा, प्रॉपर्टी के लिए कभी ले गए होंगे घर वालों को, कोर्ट मैरिज की बात हुई होगी, पहला प्रश्न पूछते हैं कि आप तैयार हो इसके लिए, ऐसा फेस फेस टू फेस देखकर बात करते हैं, कहते हाँ। सेकंड प्रश्न वे करते हैं, नोट करना, आप पर कोई प्रेशर दबाव किसी प्रकार का नहीं, इतना होश हवास में आप सब करने के बाद अपनी सिग्नेचर दी, फिर आप बाहर आकर क्यों उनके नाम पर, क्यों उनके माथे मट रहे हैं। सुनो सुनो, मैं जैनिज्म की अच्छी बात करता हूँ, ये सब उन्होंने हमको धोखा दिया, तुम धोखे में रहे, वे नहीं, उनके प्रति तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा अविश्वास तुम्हारे लिए दुखरूप है। उस अविश्वास को मिथ्या दर्शन कहते हैं लोक में, मिथ्या दर्शन दुखरूप है ऐसे तो हम कहते ही हैं। संयोग पर दोषारोपण नहीं लेना। सुबह काफी बात चली, वैसे बहाना था, कोई अज्ञानी को ज्ञानी कैसे बना सकता है, कोई ज्ञानी को अज्ञानी कैसे बना सकता है, हम कोई मिशन मान के चले सबके सुधार का, तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन साइमल्टेनियसली कोई राग भी पालता रहे तो उसको भी समझना चाहिए, जब कोई कर ही नहीं सकता तब भी करते रहो, ये कहा का न्याय है, कंक्लूजन ठीक नहीं लगा रखा। यत परे प्रतिपाद्योहम यत परान प्रतिपादयेत, आचार्यों की मूल छंद है कि मैं दूसरों को उपदेश देता हूं, दूसरे मुझे उपदेश देते हैं, उन्मत्तम चेष्टितम, क्या लिखा,
ये उन्माद भरी चेष्टा है, दूसरों से उपदेश लेने का भाव, दूसरों को उपदेश देने का भाव, ये उन्माद भरी चेष्टा है, मादक परिणाम है, मादक नशा है, नशा। बहुत आचरण की पूरी वाणी विचारणीय है। टोडरमल जी की भाषा में तो टोडरमल जी इतना ही बोलते हैं, ज्यादा क्या कहें, कोड़ी को अवलोकन मात्र रत्न चिंता मणि की प्राप्ति हो जाए, कोई दरिद्री को है ना, कोई कोड़ी को, किस किस को क्या क्या मिले। और इसको देखो, बड़े अच्छे सौभाग्य से उसको जिनवानी मिले और सुनने का भाव नहीं आता, बोलो इसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं देखी जाती। मतलब नहीं माने, बनारसी दास जी की भाषा में, माने तो शाबाश, न माने तो शाबाश, न माने तो तेरी ऐसी योग्यता है। मैं पहले से एक बात कहता आ रहा हूं, दूसरों को समझाने के आग्रह में करोगे रिपीट, मैं हमेशा एक मेरा सेटेड है, 4-5 साल में दूसरों को समझाने का इतना आग्रह नहीं करना चाहिए था, इतना इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए जिसमें हमारी स्वयं की समझ नष्ट हो जाए। हमारी समझ जिंदा रखकर जो करना है हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपको और एक बात बताई थी, समझाना ये वर्ड पूरी इंग्लिश डिक्शनरी में नहीं है, समझना है अंडरस्टैंड। समझाना ये वर्ड ही नहीं है, इसका कोई इंग्लिश मीनिंग नहीं है पूरी डिक्शनरी में। टू मेक अंडरस्टैंड, समझने की तरफ से उनको करना पड़ा है, समझाना कोई क्रिया स्वीकार नहीं करी है उन्होंने। और वैसे बहुत टाइम से मैं और एक बात कहता रहा हूं, मोक्ष मार्ग में कोई अनिवार्य चीज है तो समझाना नहीं हुआ करता, समझना ही हुआ करता, समझना ही धर्म है। समझाना उपचार की बात, अभी तो क्या कहे, अभी वो तो कोई उपचार तो यहां तक चलेगा, कोई रिक्शा वाला भी सरजी को बड़ी भक्ति भाव से लेके आता है तो वो भी व्यवहार का धर्म है। आप सब समझ रहे बात को, समझाना दूर, सब समझे इतना भाव भी वो तो काम में आएगा, लेकिन ऑप्शनल चीज है मोक्ष मार्ग में, क्योंकि समझाना किसी और को कार्यकारी हो सकता है, समझना डायरेक्ट हमारे लिए कार्यकारी है। विकल्प की भूमिका में समझाने का भाव आए वो बात अलग है। बहुत क्रीम कोर, बहुत महत्वपूर्ण छंद हमारा चला है सुबह, निमित्त उपादान का जहां जहां प्रकरण आया है, बड़े बड़े खानिया तत्व चर्चाएं आदि आदि जहां जहां आया है वहां पर इस छंद को जरूर उद्धृत किया गया है, ये उपादान की अपनी बलवती ताकत दिखाने के लिए। इसलिए मैंने सुबह ये कहा था, जो जीव उपादान की अतुलनीय ताकत, कहा था मैंने, और इसकी महती उपयोगिता को भूलकर विसरा कर, ऐसा कहा था मैंने, जो परोपजीवी होते हिटरोट्रॉप्स, उनकी पामरता का सर्व ध्वंस करने के लिए जिनवानी का लॉन्चिंग है। जिनवानी केवल इसी के लिए है, उपादान की महिमा आके आत्मा का परद्रव्य के साथ छटकार के का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होने पर भी न जाने यह जीव परद्रव्य की खोज में क्यों व्यग्र हो रहा है, क्यों परतंत्र हो रहा है, समझ में नहीं आती है, बड़े खेद की बात है। प्रवचन साथ बोलेगा तो आचार्य देव को खेद हुआ, आचार्य देव को खेद हुआ, मोह खोह विहीन चारित्रम खुल धम्मो, ये चारित्रवंत मुनि है जो क्षोभ से रहित है उनको खेद हो रहा है। विचारो क्या कर रहा है, कुछ भी संबंध नहीं था, ये क्या कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा विचार करो, 36वां छंद चलेगा। वैसे बहुत जोर लगा रहा हूं मैं, मुझे ज्ञान में पूरा करना है सब, और होगा भी, लेकिन कुछ स्थितियां, कुछ टाइम निकल कर चला जाता है, पता नहीं चलता है। सुबह ये सोच रहा था कि मैचेस में तो ऐसा होता है,
अंतिम ओवर्स होते हैं उसमें चौके छक्कों से काम चलता है कि इसमें भी ऐसा कहेंगे तो एकदम ऐसा लगा ये क्या बात हुई, चौके छक्के तो पहले चल चुके, अभी अभी उल्टा गेम होगा अब नहीं समझे। चलो अभी दो दो तीन तीन छंद के अर्थ करने पड़ेंगे, लेकिन जो छंद चलेगा अभी वो बहुत महत्वपूर्ण चलेगा। इसे इसेंस का इसेंस के छंद आगे भी चलेंगे जिसको हम गौण करेंगे फिर जब आएंगे तब, ठीक है। अब देखिए थोड़ा विचार करो, ये जो हम रोजाना यहाँ पर आते हैं एकत्रित होते हैं, हम एक प्रयोजन एक लक्ष्य एक पक्ष एक विचारधारा के जीव यहाँ पर आते हैं, आपस में भी अपना जुड़ान बनता है, इसको सत्संगति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सत्संग कहते हैं, सत्संग। इसकी बहुत महिमा अंकित की है आचार्यों ने। श्रीमद् जी का यदि कोई साहित्य पढ़ेगा, श्रीमद् जी का पूरा जोर सत्संगति पर है। सत्संगति करो, सत्संगति करो, काम हो जाएगा। यहां तक तो मोक्ष के एकदम निकट बिठा दिया सत्संगति को। सत्संग मतलब ये रोज का अपना साधर्मियों का आपस में मिलना जुलना, क्योंकि साधर्म्य में एक दूसरों का अपन अपनी समस्याएं दुख वगैरह रखते हैं तो फिर उसमें प्रॉपर सॉल्यूशंस निकलते हैं। रस्ते फिरों को तो कहने पर तो बात नहीं चलेगी, वे हमको विरुद्ध दिशाएं कहेंगे, अरे भी ऐसे ही, अरे भी वैसे ही, यहाँ पर प्रॉपर मिलेगा, देखो ना उन्होंने हमको ऐसा कहा, तो उनके बारे में हमको कुछ नहीं कहकर इनकी समस्या को टैकल करना था, तुम भेद विज्ञान करो, हम उनके पीछे क्यों दौड़ना था हमको। तो हम साधर्म्यों में ये सत्संग है तो हम एक दूसरों की वांछा करते हैं, और मरण के काल में तो बहुत हम एक दूसरों की आवश्यकता समझते हैं। दिस इज नाइस थिंग, अच्छी चीज़ है ये, इसे हम म्यूचुअलिज्म कह सकते हैं, इसको हम टुगेदरनेस कह सकते हैं, एक ही कह सकते कंपनी, वी कैन कॉल कंपनी, ठीक है। सत्संग, सत्संग और बहुत असर करता है। एक खन्याधाना में भी खूब आनंद लिया मैंने, सब अच्छे ही अच्छे दिन रहे हैं। जब से जिनवानी हाथ में आई है फिर दुखी होने का कोई काम ही नहीं रहा। खन्याधाना में एक फर्स्ट बेंच पर एक बैठते थे, अभी भी गुजर गए हैं दो तीन साल पहले, उनको दादाजी कहते थे, अध्यक्ष रहे तन से मन से धन से हर प्रकार से ज्ञान से सब प्रकार से समर्पित जीव, और पहले मिनट क्या -5 मिनट वाले जीव, और आखिर तक 85 की उम्र फटाफट फटाफट नोट करना आदि, पूजन करके आते वैसे बैठ जाते थे, कुछ प्रश्न हो तो पूछते थे, बहुत सजग विद्वानों के प्रति आदर आदि। उनका बहुत आग्रह रहता था कि आप हमारी समाधि कराना, मुझे कहते थे। तो जो चर्चा चलती तो कोई कहने की बात नहीं है, बाद में उनका थोड़ा अवस्थांतर होने लग गया, थोड़ी स्थितियां बिगड़ने लग गई, कुछ मानसिक शारीरिक ज्यादा। तो मैं ये कहता था उनको, दादाजी आपको थोड़ी समझ आ गई थी, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, थोड़ा बहुत आएगा, आपका जीवन तो बहुत अच्छा रहा है, आपको तो फिक्र की कोई बात ही नहीं, भूतकाल को आपको विचारना ही नहीं है, आप यहाँ पर भी आते हैं कुछ समझ में भी नहीं आता है, कहीं कोने में भी बैठे रहेंगे तो आपके परिणाम हजार गुना बढ़ते रहेंगे, इस माहौल को देखकर इस सभाओं को देखकर ये लोग अच्छे पक्ष से आ रहे हैं, आप सब समझ रहे हैं खूब। मैं हमेशा कहता रहा ये बात आखिर तक कि आप यहाँ पर बस बैठे रहो, अरे यहाँ पर निश्चय निश्चय कहते ही परिणाम, ये प्रांगण को हुआ तो वो प्रांगण में आते ही वो देहरी पर ही, नहीं तो क्या क्या है फिर मजा उसकी। अरे थिएटर अभी एंट्री नहीं की है, उदाहरण है, उदाहरण है, बहुत खराब हाल है, खराब हाल है, बहुत हटा दो उदाहरण को अपने, अब बिना उदाहरण के सिद्धांत को देखें, अब वो भी तो मंदिर हो गए लोगों के लिए, चित्र मंदिर है कि विचित्र मंदिर है भगवान जानता है। चल कहाँ तक खड़ा हूं मैं ये कह रहा हूं कि ये कैंप ये आते ही दरवाजे में आते ही एक प्रकार के विचार
यहाँ पर विद्वान कोई प्रवचन कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, उसको नोट बना रहे हैं, वो कोई आदमी देख भी रहा हो उसको, कुछ नहीं समझ में आ रहा, इतना समझे बहुत अच्छा काम कर रहा है, हजारों हजारों टाइम्स परिणाम उसके चढ़ते बढ़ते हैं। और घर में वही खेल देखने, उसको घर में वही देखना है ना उसको, जो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, सब चौकी चूली की बातें। और यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आए तो भी बहुत काम होगा, मैं आखिर तक कहता रहा उनके बच्चों को, इनको इस माहौल का संग बनाए रखना, समझने की आदि कोई बात नहीं रखना, सुनने की भी बात नहीं रखना, लेट देम वॉच अनलेस दे, जब तक उनको आंखें हैं तब तक उनको देखने दीजिए सब सीन, लेटे में बैठे में कैसे भी हो इस माहौल में बने रहे, वो पवित्रता बनी रहे। मैं तो क्यों कह रहा हूँ इतना सारा, सत्संग की महिमा, वेरी गुड, सत्संग की महिमा। हम पढ़ते थे तब की बात है, एक सहजी वहाँ के एक लोकल मित्र हो गया था, तो वहाँ पर सहजी एक बार उनके घर पर गए थे, क्या देखा, एक नया रिजल्ट देखा जीवन में, पहली बार एक बात समझी सी की, एक उनकी माँ को बहुत फ्लावरिंग का बहुत इंटरेस्ट था, गमलों में फ्लावर पॉट, गमले कहते ना उसको, उसमें पेड़ वगैरह लगाना करना, तो उनके पिताजी मेरे दोस्त के वो कुछ कर रहे थे, तो उनकी माँ ये कहती जा रही थी पिताजी को उनके, सुनो जी ये जो गमला है इस गमले के पास रखो, देखो कुछ समझो, मुझे कुछ कहना है, कहते इसके पास क्यों रखना, क्योंकि देन बोथ द प्लांट्स विल फ्लरिश, दोनों खिल जाएंगे फिर। मैं तो कुछ बात कह रहा हूँ, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, एक वहां पर रखो गमले, एक वहां पर रखो, अथवा एक काम करो एक ही गमला रखो आप, अपन अपने, ये भी उदाहरण मात्र है, ये कोई रखना वखना की कोई बात नहीं है, उदाहरण की बात है ये, एक गमला रखो तो शायद वो बचेगा भी नहीं प्लांट, मैं जैसा कह रहा हूँ ऐसा ही है, और दो गमले रखो तो बहुत अच्छे से फ्लरिश होते दोनों दोनों। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, कंपनी, मेरे एक दोस्त ने एक बार एक्वेरियम लाया, एक्वेरियम समझते हैं ना, एक्वेरियम मतलब होता है ना एक्वेरियम, एक आते हैं जहाँ पर वो कांच का होता है उसमें पानी होता है, मछलियाँ होती है उसमें, हाँ एक्वेरियम, ओके, एक्वा स्टैंड फॉर वाटर। तो मछली लाई बहुत टाइम पहले की बात है, उदाहरण है ये भी उदाहरण, तो उसने मछली लाई उसमें पाली, वो रोज अनाज वगैरह डालता था उसमें, मेरे साथियों ने और समझाया उसको कि एक ही मछली लाई, एक ही मछली लाई, ही डिडंट केयर, बहुत डालता रहा रोजाना, चार दिन के बाद ये फल निकला, सबका सब वही पड़ा था, वो मछली मर गई थी अंदर, अलोन कांट सर्वाइव, शी नीड्स कंपनी टू फ्लरिश एंड सर्वाइव। कंपनी, कंपनी का आनंद समझते हो, वात्सल्य भाव, लोक में आजकल ये कहने लग गए हैं, मेडिकल साइंस ये कहता है, हमारा साधर्मी, कोई साधर्मी की बात करता हूँ मैं, कोई परेशान है, कोई समस्या है, अपन उसको थोड़े पीठ पर हाथ रखो, टच थेरेपी कहते हैं साइंस उसको, क्या कहता है, टच थेरेपी, क्या हम उसको बहुत प्रेम से उसको, क्या हुआ तो इतने मात्र से एकदम उसको ऐसा लगता है, देर इज समवन बिहाइंड मी, कोई है, कोई है अपने पीछे, कोई है, आप समझ रहे, क्लोजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, क्लोजनेस, ये साधर्मी वात्सल्य बरकरार रहना चाहिए, आपसे पैसा कौन मांगता है और आप कब निकालने वाले हैं, और मूल बात है निकाले भी देवे भी, पैसे से होता क्या है, आज तो पैसे देने वाले भी बहुत है, ये भावनाओं का खेल है, भावनाओं का खेल है। तो साधर्मियों में आपस में सत्संग आदि करना चाहिए, उससे लाभ होता है, ठीक है। किसी मोड़ पर आते आते अभी तक की जितनी भी चर्चा कही, किसी मोड़ पर आते आते ये सब फालतूपना दिखने लगता है, दिखना चाहिए, ऐसा मोड़ हमारे जीवन में प्रकट करना चाहिए। कंपनीज ओके बट सॉलिट्यूड इज ब्लिस। आप नहीं समझते होंगे तो आप घबराओ मत, मैं तो बोलूंगा, अभी जो इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में ही है, मैं तो रूपांतर करके भले ही बोलूं। व्हाट इज ओके, व्हाट डज ओके स्टैंड फॉर,
ओके वेरी गुड करेक्ट ओके अनुज जानते हैं ओके ऑल करेक्ट का एब्रिवेशन है वो एब्रिवेशन कहते क्या उसको जो भी कहते कंपनीज ओके सत्संग अच्छा है बट सॉलिट्यूड इज ब्लिस बट एकांत तो वरदान है वरदान ये इसका अर्थ है उसको नीतियों में ऐसा कहा है कुसंगे नरकवासो सत्संगे स्वर्गवासो असंगे मोक्षवासो निस्संगे मोक्षवासो निस्संगो हम मतलब ही निस्सही निस्सही जो हम कहते हैं वो सभी संग से हटने के बाद अपन विचार करते हैं एक पर्टिकुलर एक जीवन के प्रारंभिक क्षणों में बहुत लगता है साधर्मियों से मिलना जुलना आदि आदि सधर्मात्मा निकट हो बहुत लगता है चर्चा धर्म ही सुना ले धर्मात्मा निकट होकर भी कथाएं नहीं सुनाए नहीं तो ये धर्मात्मा भी नहीं है फिर निकट हो बहुत लगता है ऐसा लेकिन एक मोड़ आने पर ये फालतूपना दिखने लगता है और दिखना चाहिए ये चर्चा इस क्षण में चलेगी तो तेरा जी एकांत के लिए क्यों नहीं छटपटाता ऐसे यहां पर बात आई है कह रहे तू कभी एकांत का भी विचार करते तू इतना ही करता है वाशिम में बहुत अच्छा चल रहा है थोड़ा सोना गिर द्रोण गिर रहकर आ जाता है सुनो 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 तो सब हमने बुरा क्या किया अरे भाई तो आपके मंगलायतन में अगेन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग तुम नहीं समझ रहे हैं तुम एक सत्संग से दूसरे सत्संग में गए हैं यहां का गोंड करके वहां का मुख्य और यहां पर कोई पूछेगा तो आपको कहना ही पड़ेगा बहुत मजा आया क्योंकि ये कौन कहेगा कि साहब हमारा फेल हो गया प्रोजेक्ट ठीक है ये भी कोई बात नहीं उसमें एक सत्संग से दूसरे सत्संग में हटना अच्छा देव कह रहे मजा नहीं आया कुछ भी तुम चेंज कुछ नहीं हो रहे तुम्हारा लाइफस्टाइल कह रहे ये पूरा जोर लाकर स्पीच इज सिल्वर साइलेंस गोल्ड आप जानते हैं स्पीच इज सिल्वर स्पीच बोलना मधुर भाषा में बोलना दैट इज लाइक सिल्वर बट टू कीप मम साइलेंस मौन रहना दैट इज लाइक गोल्ड इसलिए कहा मैंने कंपनीज ओके सत्संग अच्छा है अब समझ रहे ना मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन अच्छा है ठीक है लेकिन एकांत की तो कुछ बात ही और है ये तो सत्संग तो काम चलाऊ है जिन जीवों के चित्त का विक्षेप खत्म हो चुका है जिन जीवों का चित्त का विक्षेप खत्म हो चुका है अभवत चित्त विक्षेप वे एकांत के लिए उनका जी छटपटाना चाहिए फिर वे फटाफट एकांत को अंगीकार करें जिससे आपको आत्मा की प्राप्ति होगी ये एकांत ध्यान रखना ये कोई मुनियों का प्रकरण नहीं चल रहा है कोई अनुवृत्ति की भी बात नहीं चल रही है कोई विविक्त शय्यासन नाम के तप की बात नहीं चल रही है और वो हो तो भी घबराते क्यों हो षटकर्माणि दिने दिने में तब भी तो रखा ही था अब क्यों इतना एलर्जी हो गई तब कहा होता है ये क्यों विचारते हैं तुम बार बार षटकर्माणि दिने दिने तो बताया ही है ना तो जो तब बताया है क्या है भाई देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तप 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 नहीं होगा तो फिर पथ होगा और क्या होगा नहीं समझे पतन आप पत न चाहते हो नहीं चाहते हो यदि तो आपको तपना पड़ेगा फिर क्योंकि दूसरा कोई बात नहीं है और तपना मतलब ये तपना मतलब आनंद की बात है या फिर है ना इच्छा का निरोध करना भट्टी से बाहर निकलना ये तप हो गया वे जी एकांत को अंगीकार करे कह रहे हैं एक बार आप क्षण पढ़ लेते हैं आइए अभवत चित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थिति अभ्यसित अभ्यास करना चाहिए क्या कुछ चाहिए लाइट अच्छा आवाज नहीं आ रही पीछे
घूमेंगी अभी घूम रही हो, इससे ज्यादा बढ़ेंगी तो सिटी बजेंगी। चलो ठीक है, ओके जी। आपको टोडरमल जी का सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण ज्ञान में होगा। बारंबार सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, क्या बात आई वहां पर अनुज? उद्देश्य लक्षण निर्देश परीक्षा। दो तीन दिन पहले भी शायद दोपहर में बात चली थी अपनी। उपदेश सुनता है फिर क्या करता है? नहीं, इसी में लिया। उपदेश सुनता है फिर क्या करता है? फिर बोलो, एकांत में जाता है। फिर कुछ ज्ञान में आए फिर चर्चा करता है फिर क्या करता है? फिर एकांत में जाता है। फिर क्या करता है? फिर एकांत। फिर क्या करता है? फिर एकांत। उसको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। थोड़ा और लू क्या? इंग्लिश है, ज्यादा डरो मत ऐसे। मुझे आज जन एक कह रहे हैं आप बहुत इंग्लिश आ रही है आपके पास। मंगलायतन का इतना क्या करे, बिगाड़ इतना तो होता ही है। खनियादाना में गया था मैं, तब मैं हिंदी जानता ही नहीं था। क्या हालत हुई होगी आप कल्पना कर सकते पब्लिक की। दो तीन महीने में बिठा दिया मुझे, दो ही तीन महीने हुए थे मुझे वैसे जाकर वहाँ। ऐसा कुछ आता, कुछ ऐसा कुछ नहीं था, बस इतना जो भावना बराबर पहले दिन से, भावना तो वैसी है, भावना में कमी आना तो संभव नहीं है। ज्ञान बढ़ गया उसको क्या कर सकते हैं? ज्ञान बढ़ा कि ज्ञान में गए बड़े, क्या कर सकते हैं हम उसको? तो बहुत सारा मैं जो होते थे स्वाध्याय प्रवचन होते थे, 30% इंग्लिश आता था, 30% मराठी आता था, और टूटी फूटी 40% हिंदी आती थी। तो मैं मजाक में कहता हूँ बहुत जगह, मैं हिंदी सीखते सीखते कितने जन इंग्लिश और मराठी सीख गए होंगे इसका कोई पता ही नहीं। तो 3-4 साल उन्होंने झेल लिया मेरे को, आप कल्पना नहीं कर सकते। हिंदी आती नहीं थी, कुछ आती नहीं थी मतलब सामान्य, कभी ऐसा बोलने का तो किसी से कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी बात कही है, कही कही होगी, तो उसमें लिखा है वॉक अलोन। ये सभी ज्ञानियों का कुछ भी उठाओ सब आनंद की बात है। एकांत सबको बहुत अच्छा लगा है, कवि है, साहित्यिक है, सब एकांत में जाकर खोज करी है सब। अरे लोक में भी वैज्ञानिक वगैरह सब एकांत चाहते हैं। अरे एग्जाम आने पर तुम भी लोग क्या चाहते हैं? पहले तो तुम कहते हो ग्रुप ग्रुप डिस्कशन हो, अच्छी पढ़ाई होती है, 4-5 जन में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन अच्छी पढ़ाई कहने वाले फिर प्रिपरेशन लीव के लिए तड़पते हैं ना। कितनी अच्छी एक सिस्टम है प्रिपरेशन लीव की, समझते हैं अनुज? एग्जाम के एक महीने पहले प्रिपरेशन लीव चलता था। उस प्रिपरेशन लीव में ठीक है 15 दिन कोई ग्रुप लीव स्वाध्याय करे, पढ़ाई करे, लेकिन बचे हुए 15 दिन हर कोई चाहता था अकेले 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 अकेले, और खास तौर पर एग्जाम के एंड टाइम पर तो सब अकेले अकेले में लगे। वहां पर टीचर विचर को कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि जो जमाए है उसको बराबर सेटिंग करना है उसको। परीक्षा के परीक्षा पास आने पर सब एकांत चाहते हैं। सम्यक तो है, सामायिक है, समता है, समाधि है, हमारे जीवन की परीक्षा है। उस परीक्षा के अंतिम क्षणों के पूर्व सब कोई एकांत चाहता है, चाहना चाहिए। वॉक अलोन, क्या कहा? सम्यक वॉक अलोन, अकेला चलो। अपने यहां एक स्लोगन चला, बोलो एकला चलो रे भाई। अब भी याद आया खेमचंद जी भाई का था कि क्या मालूम किसका था, एकला चलो रे भाई, ये अकेले का मार्ग है। ये ताकत देखो, गुरुदेव की ताकत देखो, अकेले निकल गए। तो तुमको आना है? हाँ आएंगे सब, थोड़ा और चलो ना, अभी टाइम हो गया, चलो सब और 2 महीने ठीक है, चलो रुकते हैं, चलो अभी तो निकलो, नहीं सब और। अरे ये आने जाने कुछ नहीं है, ये अपना समय बिगाड़ रही है। मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहा, क्षण क्षण कषायों के प्रसंग ही बने जा।
वो तो वो अपने अपने शरीर की बातें करते हैं, सब ये तो मुश्किल है, इनका निकलना मुश्किल है, हमको बहुत लगा था इनको भी लेके चलेंगे, इनको भी ले, लेकिन इनका कुछ निकलने निकलने का कोई इनका नहीं है विचार विचार, ये तो टाइम पास करते हैं और अपने साथ भी अकेले अकेले ऐसी बातें करते हैं, हमको बेवकूफ़ बना रही है। तो अपन निकलते हैं, तुम कौन हो, तो अकेले निकले थे बोलते, कितनी पावर चाहिए इसको, दिस इज पावर प्रेजेंटेशन। पावर प्रेजेंटेशन समझते हैं अनुज? पावर प्रेजेंटेशन नहीं समझते, शक्ति प्रदर्शन कहते हैं उसको मराठी में। किसी के सामने धाक जमानी हो अपनी, ये पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा करते हैं, अपना कुछ कराना हो, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम करके बहुत जन समुदाय, तो दैट इज पावर प्रेजेंटेशन। हमारे जैनिज्म का पावर प्रेजेंटेशन है, अकेले निकल कर दिखाओ, दिस इज पावर प्रेजेंटेशन, शक्ति प्रदर्शन है ये अपना। एकांत की बात है, वैसे ही मैं कहता हूँ सब विपरीत बातें हैं यहाँ पर। जैन शासन है ये, इंद्रिय जय का मार्ग है। लोक में कहते हैं कि मैंने यहाँ पर भी लिया होगा, दम है तो घर से बाहर निकल कर दिखाओ, हमारे जैन धर्म भी वही कहता है, घर से बाहर निकल कर दिखाओ दम है तो, वो तो लड़ाई के लिए बोल रहा होगा लोक में, लेकिन यहाँ पर निहत्ते, खाली निहत्ते की बात नहीं, घर से निकल कर दिखाओ, वो निकलना कोई निकलना थोड़ी है। वॉक अलोन दाउ अनफॉर्चुनेट, वॉक अलोन, इतना तो समझे दीपक जी, आप समझे क्या कहा, दाय अनफॉर्चुनेट कि तुम अभागे अकेले चलो, अटपटी लग रही क्या अनुज? देखो मुझे बिल्कुल नहीं जची ये बात, तो मैंने ये लिखा है वहां पर, वॉक अलोन मोस्ट फॉर्चुनेट वॉक अलोन। मेरे अपने नोटिंग रहती है ना मेरे अपने में कुछ पढ़ता हो तो, वॉक अलोन लिखा, क्या लिखा, अनफॉर्चुनेट वॉक अलोन, तेरा ऐसे ही है, तुम अकेले ही चलो अकेले चलो। अरे अकेले चलो ये फॉर्चून है अपना, भाग्य भाग्य है ये अपना। अभ्यसत अभियोगेन, अभ्यसत अभ्यसेत अभियोगेन, अभियोग से मतलब सावधानी से, ऐसा अर्थ किया है, योग से कहते ना, अभियोग से चारों तरफ से, अच्छे योग से मतलब सावधानी से, बिना आलस से अभ्यास करना, किसका, एकांतवास का अभ्यास करना चाहिए। देखो ये समाधि की भी तैयारी चल रही है, सम्यक दर्शन की भी तैयारी ऐसी ही हुआ करती है, सामयिक के लिए भी उतना काल के लिए तो एकांत ही है ना, एकदम अलग रीति नीति है लोगों के लिए, तो एक अकेलापन उनको, मैंने आपको कहा था, कहा होगा कभी, कुछ कुछ लोग ऐसे है घर में अकेले हो तो टीवी चालू लगा कर सो जाते हैं, स्वयं कोई बेवकूफ बना रहे हैं, देखो लेकिन उनको कोई तो भी हो, कोई तो भी हो, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको ऐसा, उनको देखो उनको शांति नसीब ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ कोई डायबिटिक है उसको तो आजीवन ही मीठी की रस्सी हो गई, इसके भाग फूट गए, जिसको एकांत ही अच्छा नहीं लगता कितनी तकलीफ है उसकी, उसको कहाँ चैन मिलेगी। और सुनो फिर ये पार्टी ज्वाइन करो, वो ज्वाइन करो, और फिर दिन भर उसी पे सब बदमाश लोग अपना पीछा करते रहते हैं। बदमाश समझ में आता है, मतलब सबके सब ऐसे ही ऐसे हैं, फालतू सब बैठे, और उनको तुरंत रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और धर्म के नाम पर भी कोई मेरे को कोई सेंस ही नहीं दिखता इसमें। अर्जुन तुम क्या देख रहे भाई, तुम सीधे बैठो, हाँ सीधे बैठो। लोक संपर्क हटाने की बात है, और मुझे अभी भी कहना है आपको स्वाध्याय करना है, आप कोई भी सिंसियरली पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रीडिंग करो, रीडिंग सुनना ठीक है, लेकिन पढ़ना की तो कोई बात ही अलग है। आप स्वयं पढ़ो और दसों दफे पढ़ो, बीसों दफे पढ़ो, बार बार पढ़ो, पढ़ने की निजी अध्ययन की आदत डालो। मैं बार बार कहता हूँ, हर साल कहता हूँ, यही से सब जगह भी कहने लग गए, फिर सब यही से चालू हुआ है। ये कहता हूँ कि महावीर जैसा भी वक्ता आए, महावीर जैसा भी वक्ता आए ना, तो भी आपका काम उनके भरोसे तो नहीं होगा, आपको व्यक्तिगत अध्ययन करना पड़ेगा। और फिर और एक बात कहता हूँ,
बोलो जितना सुनते हैं उससे 20 गुना पढ़ना पड़ेगा, उतनी मात्रा सेट है, उसका कोई शास्त्रीय कोई आधार नहीं है, और 200 गुना तो सोचना पड़ेगा उस पर अभी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात चल रही है, एकांत। अब जानते हैं गुरुदेव का ऐसे कहते हैं कि उनको भी रुचि लगनी थी धर्म, दिगंबरस्त होना था, तो जैसे आज का भोजन ले लिया उन्होंने, अब जानते होंगे ये सब बातें, अब जानते हैं भोजन आज का कर लिया जैसे, तो समय सार उनके हाथ लग गया था, अभी समय सार हाथ में लगा तो रुचता, अभी क्या क्या आज निकल गए तो ऐसा कहते हैं। फिर वहीं पर दिन भर कहीं जंगल में बैठकर अध्ययन करते थे, आते नहीं थे, दूसरे दिन भी ऐसा कुछ क्या करते थे, तो ये कहते थे कि दूसरे दिन कभी मन लगा उनका तो तीसरे दिन ठेठ आ जाते थे। अभी कैसे रहते होंगे कोई बात नहीं, कब, जब अभी श्वेतंबर में ही है, अकेले में पढ़ते रहते थे, पढ़ते रहते थे, दुनिया के सामने पढ़ेंगे तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस करेंगे तो अच्छी थीम ख्याल में नहीं आएगी। एकांत की बारंबार महिमा की जा रही है, वो तो एकांत स्वाध्याय के लिए करते थे, लेकिन यहां पर एकांत का अर्थ पुस्तकों से दूर ऐसा कर रहे हैं ये। ठीक है, लौकिक जनों से भी आप दूर रहते हो, साधर्मी जनों से भी, मैंने आगे भी कहा ना, एग्जाम के टाइम में वो भी आकरने लगता है, भीड़ की वृत्ति एक प्रकार से खत्म होने लगती है, आप समझ रहे हैं। मेरे को, मेरे पर्सनली भी आप क्या समझते होंगे, मुझे भीड़ में भी बड़े अनइजी होता है मुझे, तो अब ये आता हो यही कैसे आता हो ये नहीं मुझे जानता, तो कितना मुझे सब बहुत आग्रह रहता है अंग मंगलायतन में, आप सभी विद्वान आ रहे, सब 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 पति पत्नी मिलके पूजन करने वाले हैं, सब पति पत्नी मिलके, पति पत्नी मिलके, आप भी आप भी आप भी आप आग्रह मत करो, हमारा आपके लिए सब व्यवस्था कर देंगे, हम मत करो कुछ, मैं हमारे छोड़ दो, हमको मैं नहीं आ सकता। चलो देखो ऐसे आगे के दो छंद तो चलने हैं, इसी को थोड़ा और पुष्ट करते हैं, आगे के दो छंद तो युगल में चलेंगे, एक एक ही थीम उनके। देखो मैंने और एक बात आपको हमेशा कही है, मैं जब छोटा था तो 10वीं के पहले मैं पापा जी को कहता था कि बहुत नाराजगी बनी रहती थी, याद है मैंने कहा था कि आप समय दो ना हमको, समय दो, तो ऐसे हो सकती है बच्चों की भी भावना ये। तो पापा जी एक बात कहते थे कि क्या समय देना है बेटा, ऐसे बोलते थे, वो कहते थे सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना, भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रहती थी उनको, और सब एक एक कदम, माता पिता का एक एक कदम बढ़ता है, सब संतान को दिमाग में, दिल में, सर्वांग में, रोम रोम में, सब जगह स्थापित ही करके चलते हैं। तो एक एक, मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, भोजन करने नहीं आते, कुछ नहीं आते, दिन दिन भर पैसा कमाते, दिन दिन भर पैसा कमाते, मैं सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लगता था, नहीं मुझे, मेरे लिए आप समय नहीं देते, अरे मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना लेकिन मुझे तो आपका सान्निध्य चाहिए, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वो भाषा नहीं बोलता था मैं तब, लेकिन मैं बार बार कहता था आप समय नहीं देते, वो कहते थे मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ सब कुछ, मैं कहता था लेकिन आप तो समय देते ही नहीं हमको, मैं अब अच्छी भाषा में क्या कह रहा हूँ, हमें तो आपका सान्निध्य चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए ना सामग्री, जिसको आप जरूरी समझते हैं हमारे लिए वो हमको नहीं चाहिए, जो हम हमारे लिए जरूरी समझते हैं हमको वो चाहिए। तो आज इस मार्ग में आने पर ऐसा लगता है हम सुबह से उठकर, सुबह से लेकर रात तक जो भी कुछ करते हैं क्यों करते हैं, हम आत्म कल्याण करने के लिए करते हैं, हम आत्मा की बराबर शिकायत हमसे बनी है, तुम्हें मेरे मेरे को देखने के लिए समय नहीं, समय नहीं, सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, सब स्वाध्याय भी करता हूँ, पूजा भी करता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, तुम कहो तो और एक ग्रंथ कर से चालू करूँ, पंडित जी कह रहे तो और एक घंटा और बढ़ा सकता हूँ, बहुत बहुत कहे तो आपके औरंगाबाद वाले एक दो घंटा रोज दुकान जल्दी बंद करना चालू करते हैं, ललित भाई तैयार हो गए
आप उनको बाहर कुछ बोलना नहीं, चलने दो सबको। सब बिगड़ रहे, सब बिगड़ रहे। जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, और आत्मा के लिए तो ये कुछ नहीं चाहिए था। आत्मा तरस रहा है एक झलक, अ ग्लांस, अ सिंगल ग्लांस। अंजना के लिए कैसा राजमहल खड़ा किया था। अंजना जब उपेक्षित थी तो ऐसी वैसी तो नहीं रही होगी ना, सब साधन सामग्री सब जुटाई ही होंगे कि नहीं। अरे राजघराने का आदमी है ये पवन जय, तो अंजना भी कैसे घर में रहती होगी, कितनी दासियां सेवा करती होगी, क्या क्या होगा। लेकिन अंजना को वो कुछ नहीं चाहिए। एक बार आप प्रेम भरी निगाह से हमारी तरफ देखो। आत्मा को ये सब कुछ बाह्य एक्टिविटीज नहीं चाहिए। आत्मा को चाहिए कि हम उसको प्रेम भरी निगाह से देखें। किसकी बात चल रही है ये? सम्यक दर्शन के पूरे एकांत चाहिए आत्मा को। फिर वहां पर शास्त्र भी भार होने लगता है। फिर सोचो ना, थोड़ा स्वयं से बात करो। स्वयं से परिचय करने की प्रक्रिया को सामयिक कहते हैं। मैं पिछले साल बार बार एक बात कहता था, सामयिक के काल में आप विश्व के सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। आपको बहुत आनंद आना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भी आनंद नहीं आता है। अरे जहां पर दो है वहां पर द्वंद्व है। तुम ही विचार करो, जब भी सत्संग की बात भले अभी हम करते थे, लेकिन तुम ही विचार करो, क्या विकथाएं नहीं हुआ करती? तो छोड़ो ना, इनको भी छोड़ो ना। और हमारा सुख तो वो हम थोड़ा गिड़गिड़ाने से वो थोड़ा वो सुन लेते होंगे, लेकिन उससे क्या होगा? हमारा मार्ग तो हमको निकलना ही पड़ेगा ना किसी ना किसी दिन। समझ में आता है? एकांत को कहीं ना कहीं साधना पड़ेगा। और यदि एकांत नहीं साध सकते हैं तो हालत ही इतनी बिगड़ जाएगी। अभी दो है, सत्संग की बात करें, अखबार में कभी पढ़ा होगा सैड डिमाइस, दुखद निधन होते हैं, उसमें लिखा रहता है। देखो ऐसा लिखा रहता है, तू इतनी कम उम्र में मुझे छोड़ चली गई, हरे भरे नंदनवन को वीरान कर चली गई, तेरे बिना सब सुना लगता है। आपने पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा ऐसा? ऐसा लगता है कैसा बेवकूफ आदमी है ये, अभी किसको बोल रहा है ये, अभी है कौन यहाँ पर जो इतना इतना गिड़गिड़ाने से क्या होगा अभी? और हमको क्यों परेशान कर रहे बाबा तुम? हमको अखबार में क्यों छाप दिया तुमने? तुमको उससे लगाव है, तुमको वहां नाक रगड़नी, अभी जो भी कहो तुम वो नहीं है, हमको क्यों बता रहा है? लेकिन सबको कहना चाहता है ये, उसमें क्या पौरुष है क्या इसका? कुछ कितना नपुंसक बना है ये, कहते तुम्हारे बिना सब सुना लग रहा है, तू छोड़ के चली गई, अकेले मजा नहीं आता, मरना ही बाकी है इसका। नहीं, ऐसा नहीं है, मरना बाकी नहीं है इसका। बोलो अच्छी भाषा बोलो, ये मर चुका है, मर रहा है, मर चुका है ये, इसका मरना कुछ बाकी नहीं है। इसलिए मैं कहते ना, सब वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, कोई कह रहे तो कोई नहीं माने तो वो सुसाइड भी कर सकते हैं, मर भी सकते हैं। कोई कहे सब मैं फिर मर जाऊंगा, आप झूठ मत समझे। देखो आप मुस्कुराओ मत। देखो मैं सचमुच मर जाऊंगा। अरे हम तो इसलिए हंस रहे हैं। बोलो अनुज, मेरे को क्या मरना? तुम मरा ही है तो मर जाओ। अरे फिर वही बात, ऐसे जीवन कोई जीवन ही नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं, एक बहुत अच्छा छंद चलेगा, दो छंद का युगल है वैसे ये, इसमें खूब महिमा करी भैया एकांत की। और एक दो छंद आगे आएंगे तो वहां पर भी और विशेष चर्चा कर सकते हैं अपन, देखेंगे जैसे टाइम अबाउट टू गो। ठीक है, दो छंद चलेंगे, 37 और 38 एक साथ पढ़िए कि कल देखना है इसको, क्या करना है एक कल ले लेंगे। चलो इसको ठीक है, ओके पढ़ लेते, छंद पढ़ लो छंद।
और रोज तीन चार चल सकते हैं वैसे, अपने कब अपने काम कर सकते हैं, थोड़ा टाइम है तो 50 तक के पढ़ ले, क्या करना है, सात मिनट है तो फिर नया क्यों चालू करे, अपन रहने दे काम करो, 50 तक चलो, इसको पढ़ो 50 तक छंद तक चलो। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। निशामयति निःशेष इन्द्रजालोपमं जगत्, स्पृहयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्स्यते। ये छंद आने वाला है आगे, एकांत हुबहु, वहां पर विशेष फोकस नहीं करेंगे। इच्छत्येकांत संवासम निर्जनम जनितादर, निज कार्य वशात् किंचित् उक्त्वा विस्मरति धृतम्। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् वेत्य विशेष्यं, स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र भुवते रतिं, यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छते। अगच्छंस्तद्विशेषाणां मनविज्ञश्च जायते, अज्ञातद्विशेषस्तु बध्येन विमुच्यते। परस्ततो दुःखमात्मैवात्मा तत सुखम्, अत एव महात्मानः अविद्वान् उद्गलद्रव्यं योगी नन्दन्ति तस्य तत्, न जातु जन्तो सामीप्यं चतुर्गतिशोचते। आत्मानं बहिः स्थिते जायते परमानंद कश्चित् योगेन योगिना, आनंदो न चासो विद्यते योगी भये दुःखेष्वचेतनः। परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः, जीवोन्योपुद्गलश्चान्यसौ तत्त्वसंग्रह्य। इष्टोपदेशमिति सम्यक् अधीत्य श्रीमान् मानावमानसमतां समदात्विगम्य, मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने थोड़ी ऐसी बात आई कि थिएटर में क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों लेकर बात आई, जैसे आप अन्यथा नहीं ले गए, आप फिल्म देखने गए होंगे औरंगाबाद में, तो अभी अभी शाम को ये बता रहे थे, वहाँ पर किसी एक जैन भाई ने उनको पूछा, अब तो वाशिम वाले का पैटर्न है, आप कैसे थिएटर में आए, अब पूछो झूठी बात लगती हो तो, इसी भाषा में बात करी उन्होंने। ये तो शाम को बात हुई है मेरी, मैंने कहा ये सबको पता होना चाहिए, तो वो प्लेस ही ठीक नहीं है, और आपका तो बच्चों को कैसे संभालना आप जानो भैया, तो मैं तो ये कह रहा था जो आप चाहते हैं, मैंने ये कहा एक नीति वाक्य है, ऐसा मैंने शाम को बोला, आपको अच्छा लगा तो इसलिए कह रहे आप, तो मैंने कहा सुबह ऐसे नीति में लिखा है, सूर्योदय के काल में मिला हुआ मित्र वो उपकारी है, सूर्यास्त के काल में मिला हुआ मित्र वो अपकारी है, ऐसे नीति वाक्य है, ऐसी हमारी चर्चा चल रही थी शाम को, तो मैंने कहा ऐसे नीति में क्यों लिखा होगा, क्योंकि सुबह में जो मित्र मिलेगा वो पूजन की प्रक्षाल की बात करेगा, मंदिर की बात करेगा, और शाम को लिखने वाले डेफिनेटली धर्म कार्य की बात नहीं करेगा,
होटलिंग की बात करेगा, घूमने फिरने की बात करेगा, सब चाट पकौड़ी की बात करेगा, चौराहे पर खड़े रहने की बात करेगा, सूर्यास्त के काल में मिलने की, अपन तो सूर्यास्त के बाद घर से निकलो ही मत। इसलिए मैं तो हर एक को कहता हूँ, अब सूर्यास्त हो गए आपको घर पर आना चाहिए। अभी चिड़िया भी अपना अपना सब काम धंधा बन करके घोंसला पकड़ लेती है, फिर जो भी होगा वो कहती है नेक्स्ट डे जो भी होगा, सोचना क्या, देखेंगे जो होगा अभी। और हम बराबर, और जिनकी आवश्यकता है उनका तो समझ सकते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है बराबर वे भी लिपट रहे इसमें। बहुत अन्याय करते, बहुत अन्याय है। एक तो अन्याय इस न्याय से है, एक तो अन्याय इस न्याय से है। हमको अवसर देना चाहिए ना, हमको सबको अवसर देना चाहिए। नाउ इट्स देयर टर्न, उनको करने दो हमको। और हमारा मूल लक्ष्य पेट भरने का होना चाहिए, तो संयम के लिए जितना कार्यकारी है वो औरों को करना करे। और आप ऐसा नहीं समझे कि बहुत पैसा चलता रहेगा, सुनो बहुत अध्ययन कर रहे हैं आप दिन भर, नौकर चाकर सब संभाल रहे हैं, हमारा तो कोई उपयोग नहीं लग रहा ना, ऐसे भी भ्रम में आप बिल्कुल नहीं रहना कभी। वो बुद्धिपूर्वक आपका खत्म होना चाहिए। मैंने लिया था न्याय, बोलो चोरी और परिग्रह में ले रहा था मैं ये कह रहा था अन्याय से कमाना वो तो चोरी में लिया है। जैन शासन में बताया है जो अनाप मर्यादा से ज्यादा जो न्याय से भी कमाता है वो परिग्रह, उसको नया पाप दिया है। इसलिए मैंने और कहा था लीव एंड लेट लीव, इसको हम समझे, ये छोड़ने छोड़ने के मार्ग है, ये सब छोड़ो और छोड़ाओ। तो यहां पर पीठ उनकी थपथपाई जाती है जो कुछ छोड़ता है। चलो है क्या लू क्या थोड़ा कि नहीं, नहीं। कुछ बोलना है क्या किसी को कुछ? आप पूछ सकते भैया, उनका आप वाशिंग वाले आप थिएटर में कैसे आ गए आप ऐसे? तो मैंने चलो आप जो कहने वो तो रहने दो, मैं दूसरे अभी इसी का विषय है तो कह दो। आप ऐसा कर सकते हैं, और आपका एक भी बच्चा तैयार नहीं मतलब बच्चे बिगड़े हैं आपके, आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, गुड न्यूज फॉर ईच एंड एवरी वन। मैंने और भी कहा दिल्ली जैसे शहर में यह हालत है 80% लड़कियां, अभी मुझे पता चला 80% लड़कियां बॉटल्स में शराब लाती है, वाइन, उनके माँ बाप का आग्रह है। तो सबको ये है कि हमारे बच्चों को कैसे बचाया, सब आग लग रही है, लगती जाएगी, बाहर जाने की आदत लग गई, उसको पता चला बाहर जैन फूड जो खा सकता है वो तो गया अभी काम से, वो तो बाहर खाने की बात है वो तो गया। मैं तो बार बार कहता हूँ शादी ब्याह में छोड़ो, धार्मिक आयोजन होते धर्मशालाओं में भी भोजन करना खतरे से खाली नहीं है कुछ। चलो ठीक है, और कुछ कहते रह गया तो थिएटर का बहुत अच्छी कोई आपको सामाजिक कोई डॉक्यूमेंट्री आती है, फिल्म, फिल्म कह सकते उसको, तो फिर इस शर्त पर आप घर पे देखे उसको, कुछ नॉलेज गिविंग हो, तो बच्चे उनके पापा मम्मी उनके दादा दादी और आप हो वहाँ पर, आप भी देखे क्या दिक्कत है। तो ऐसी ही चीज़ जो आप देखे देख सके तो वही दिखाए, समझ रहे? तो दिखाओ फिर, टोटली धार्मिक हो ऐसा कोई लेना देना नहीं हमको, लेकिन कोई सोशल उनको दिखाया जाता हो तो फिर सब मिलके देखो ना, फिर उसको क्या दिक्कत है फिर, क्योंकि लौकिक अपना चरणानुयोग तो लौकिक ही बेस्ट है ना टोटली, तो कोई ऐसी बात तो कुछ नहीं है कि अधर्म की कोई बात नहीं है, हमारा चरणानुयोग बराबर बताता है ना ये सब। तो जो जेन्यून हो सबके बीच में अपने घर पर ला के देख लो, फिर ऐसा कर सकते आप, वो क्षेत्र ही ठीक नहीं है। और फिल्म मैंने अभी बात करते करते कही, हम कितने साल से प्रवचन सुन रहे हैं अनुज, एक भी प्रवचन ज्ञान में है आपके? नहीं है। और हम बराबर 25 साल पहले देखी वाली फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट कह सकते हैं आप पूरा? यह हालत है हमारी, वो संस्कार जाते नहीं जाते, देखो निकल ही नहीं रहे वे, और उस पर कितना अमृत चढ़ा है इसका, लेकिन आज भी उसने अपने सत्ता पर कोई आँच नहीं आने दी है। आज 20 सालों की अक्षुण्य सत्ता उसने बनी रखी है। मैं तो उदाहरण ये देता हूँ, यहाँ पर तो रोड है नहीं वैसे कोई, मैं ये कहता हूँ अभी भी यहाँ रोड से भी एक हद कोई रिक्शा चली जाए कोई फिल्मी गाना उसमें से, तो वो उसमें पूरा उपयोग जुट जाता है, कितना भी स्वाध्याय वाला हो, ये संस्कार निकलते नहीं निकलते।
जो अनादि से चलता आ रहा है उसको क्यों डालना? और सोशल मतलब टोटल सोशल अवेकनिंग को लेकर जो होगी उसको बड़े सब जन देख सके बैठकर, ऐसे देख सकते जिसमें किसी भी पांच पाप नहीं हो। प्रथमोनियुग में से भी कुछ भी उठा रहा है आदमी, तो क्यों नहीं उठाएगा? तो ये नहीं करना चाहिए, ये मैंने बात कही थी। तो शाम को ये इतनी सी बात, चलो ठीक है। आप सुबह आए थे? सुबह आए थे? आप सुन लेना फिर से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको लटका दो, मैं अच्छी भाषा में कहता हूं अब राग हटा लो अनुज, और फिर अपन शांति करो, ये कह रहा हूं मैं, अपन आनंद करो आज के दिन। मैंने कहा था ना सुबह, वैसे थंडर के द्वार तो होते हैं, थंडर के द्वार थे अनुज, कितना जन समझते क्या मालूम, सब मुझे खोलना पड़ेगा। एक थंडर मतलब आंधी तूफान होता है, तो आंधी मचने दो आधी, तुम समझे क्या? दोनों अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ ये है, थंडर मतलब वहां पर तो एक वो ये कहना है बहुत शांति। तो भाई असहयोग आंदोलन गांधी जी का जो वेपन है, गांधी जी का वेपन, गांधी जी को जब भी कोई पूछता था साहब आप जब भी वो देखो धमाधम उपवास पर उपवास चलते हैं, एक अहिंसक आदमी के पास दूसरा क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं हम, मारा पीटी तो कर नहीं सकते, दूसरा हमारे पास बहुत बेहतरीन उपाय है, बिना बोले हम सब बोलेंगे, ठीक है ना। मौन में कितनी अभी अभी बात आई थी ना, साइलेंस इज गोल्ड, तो हम बिना बोल के काम चला लेंगे। तो आप यदि मन पर ले सब हो सकता है। बच्चा कभी भी आएगा नहीं क्या अपने पास, दो दिन चार दिन, और दुनिया एक तरफ लगी रहे, बस आपको उसके, मुझे लग रहा है आपकी उसके अर्ज नहीं है, अर्ज समझते यू अर्जी, आपकी उसकी जरूरत नहीं है आज, अभी जरूरत नहीं है आपको उसकी, जिस दिन जरूरत होगी क्यों, सभी फैमिली एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ, आप नहीं करते क्या ऐसी कोई भी बात घर में, जहां पर मैं कह रहा हूं अपना राग होता ही नहीं है ऐसा, आज आप बने रहो खड़े रहो कि हमें बच्चों का वेलफेयर करना है, टीवी नहीं देखना है उसको, आपको सफलता मिल जाएगी। आपकी भावना नहीं है इसे सिद्ध हो गया, आपकी भावना होती तो फल होता, आप आजमाओ, अभी आजमाओ और फिर रिजल्ट। सब लोगों की छोट, सुनो 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 सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ, लोग क्या कहते हैं ये तो मैं सब जानता हूँ, ये मुझे नहीं बताओ, मैं तो जानता ही हूँ उसको, चक्रव्यूह के बीच में खड़ा रहना है अभिमन्यु को, ये मैं तो जानता हूँ ये सब, ये तो इतना भी जूझने की ताकत चाहिए, और मैं दो तीन दिन में ये बात कह रहा हूँ बार बार, वो सफलता ही तो लोग हमारी पीठ थपथपाते हैं, असफलता ही तो गालियां देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारा कार्य लोगों की पीठ थपथपाने से और उनकी गालियां देने से पर डिपेंड करता है, क्या आप समझ रहे हैं? हमारा कार्य अगेन हमारी कषाय और सामने वाले का वेलफेयर, बेटरमेंट उसका, अच्छा ही इतना ही हमारा कनेक्शन है। तीर्थंकर की, तीर्थंकर के मार रोती है, सब रोते हैं, तो क्या वो उनका पाप बंद है क्या उनको? तो दूसरों पर क्या बीतती है उससे अपने जैन धर्म ही नहीं, हम पर्पजली कुछ नहीं करें, हाय हाय तो मचेगी उनको, मचेगी सबको, मचने दी मचने दो, और जितने भी होंगे इस दलदल में सबको साफ कर दो, सब साफ हो जाएंगे इन ए सिंगल ब्लो। उनका पापा बीच में आए, उनका दादा बीच में आए, उनका परदादा ऊपर वाले भी नीचे आए, साफ करो साफ, बच्चे को आज अच्छे से समझा देना आपके रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, और फिर कैसी भाषा में समझाना आप देख लो। राग आप, अब मैं बिल्कुल कह रहा हूँ अब करके देखो ऐसा, अब राग हटा दो ना, उसका टिफिन विफिन काय का टिफिन बेटा, मैं मेरा बनाऊँ कि तुम्हारा बनाओ रसोई, तुमने तो मुझे रोटी बनाई नहीं, अब करके देखो, उनको रेडीमेड सब मिल रहा है आज, तो फिर और आकड़ आकड़ दिखा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, सभी प्रकार का प्रसंग आने दो और अब तटस्थ हो जाओ। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं ना, क्यों गोरख धंधा कर रहे अपन, ऐसे कितने बच्चे पाले है और कितने क्या है, इसकी कोई गिनती है क्या, बच्चों बच्चों में आनंद भाव बीत गए हैं, अब यही गोरख धंधे करेंगे क्या? ये तो फिर सामान्य विद्वान कहते हैं, कुकरी सुकरी भी यही काम करते, तुम क्या करते हो और तुम उनके माथे क्यों मरते हो? मैंने आज सुबह भी लिया है, आप सुबह लिया है, कल रात में लिया है, कल दोपहर में लिया है,
ये तीनों इसी के व्यू को लेकर है। मुनिराज का भी कड़क अनुशासन कहा, ये सब कहा, ये तो बाय चांस सब आ गया है दो चार में, तो बच्चों की कोई बात नहीं होती है, कोई बात नहीं होती ऐसी। और क्यों, गांधी जी का बच्चा एडमिट था, परेशानी हो गई थी, तो उनको तो रेफर किया था उनको मांस, तो ये बचेगा। बच्चे के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन सब कुछ तो नहीं किया जा सकता। जाएगा लेटिम को, लेटिम को कितने निर्दयी है आप, निर्दयी क्या है उसमें, जाना ही कभी ना कभी तो। आप पर गोलियां चलाए, चला के देख लेना, ऐसा तटस्थ जीव हो तो कोई बात नहीं है उसमें, तो क्या हो गया उसमें, मर गए तो ऐसा क्या हो गया उसमें, मर गए तो ऐसा क्या हो गया, नई बात में समझ में नहीं आती। यहां मरना है, वहां मरना है, कहीं तो मरना है, मतलब आप धैर्य रखे उसमें, और जितना जोर हो अपन उसमें लगाते रहे। हमारे घर की केस है, वो कितना साल हो गया उसको, छह साल हुए होंगे इसको, तो छह साल पहले अभी उसको बहुत प्यास लग गई थी, तो कौन सी क्लास में होगी, होगी फोर्थ में होना चाहिए मतलब, तो बहुत प्यास लगी, गर्मी के दिन थे एकदम, मैंने तो बोल दिया जो होगा बेटा आपका अभी, तो हम यहाँ पर समाधि के कोई प्रसंग है तो हम करा देंगे, कुछ नहीं, कोई मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होता जाता, कुछ नहीं। और ऐसा वीर मरण के हरेक को मिलता है क्या? और फिर उस रात में पानी पिला के दिक्कत ये आती, फिर दूसरे दिन भी वही समस्या खड़ी है, फिर तीसरे दिन फिर वही समस्या खड़ी है, समझ में आने दो, एक दिन पानी नहीं मिला और कोई मरता वरता नहीं है इससे, और मरते तो पानी पी पी कर भी मरते, वो तो सब मरते हैं, नींद में तो सब होता ही है। अपने भावना अच्छा रखो कि उनको रास्ता नहीं खुलना चाहिए, उनको दूसरे दिन ही उनको ख्याल में आना चाहिए, कैसी सोकन पड़ी थी, लेकिन यहाँ के कायदे कानून ऐसे है तो पीना ही पड़ेगा बाबा। और सुनो, देखो प्रारंभ में किसी को भी कुछ लगे अटैकिंग, लेकिन बाद में दिस बिकम्स देयर लाइफस्टाइल, देन बाद में बहुत इजी अप्रोच बनना रहता है। आत्म अनुशासन में ऐसा लिखा कि अणुव्रत दुख रूप विभाषित होते हो तो आपको अंगीकार करना चाहिए। किस प्रकार? कड़वी दवा हाथ पैर पिलाकर बांध कर पिलाते हैं, उसको भी कड़वी थू थू करता है, लेकिन रिजल्ट तो उसका अच्छा ही आता है। अनिच्छा पूर्वक भी ली हुई दवा अपना अपना असर करती ही है। तो जिनका इतना राग बना था कभी हाथ पैर पकड़कर दवा पिलाने का, वो अपनी पूरी बस इसमें चला है आज, नहीं तो आप अन्याय करेंगे। फिर 50-50 नहीं, आपको तो 99-1 रखना चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य बदल गया है, मोक्ष मार्ग पर लक्ष्य है, लेकिन अभी 50-50 तो करना ही चाहिए आपको, न्याय करना चाहिए आपको। और टीवी में अक्सर कहता हूं, साल भर कोई प्रवचन में नहीं आता हो, साल भर कोई देव दर्शन नहीं करता हो, आप मुझे बोलने देना, आपको क्या नींद विंद आ रही क्या थोड़ी, नहीं थक जाते आप बहुत, अब मुझे ही लगता है हमारे माँ की उम्र की है, बहुत दिन भर यही सब लगे रहते हैं, नहीं 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 मुझे बड़ा अटपटा लग रहा है। चलो कहाँ तक खड़े वैसे, आपने कुछ कह रहा था, साल भर कोई मंदिर में नहीं आता हो, साल भर कोई स्वाध्याय में नहीं आता हो, स्वाध्याय इसकी शक्ल भी नहीं देखता हो, तो भी कुछ भी वांदा नहीं हो, हल्ला करने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, कोई छाती पीटने से कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं लेबल, कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है तुम्हारा भाई। लेकिन जरूर ये कहूंगा, जो एक फिल्म देखता है थिएटर में जाकर, वो सब नलीफाई कर देगा। बल्कि मैं ज्यादा कह रहा हूं, 25 साल पहले की आज भी याद है ना वो, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, अब मत उलझो उसमें, नहीं दिखाना, वो आदत खराब है, वो चार्म बना रहता है, वो क्षेत्र की शुद्धि है ही नहीं वहां पर, वहां के कोई अच्छे लोग आते नहीं वहां पर, तो आपको कोई दिखाना है आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, अब मैं फिर उसमें आ गया वैसे तो। और वैसे अभी बात आई है तो कह दूं मैं, बच्चों को ट्यूशन व्यूशन का ठीक नहीं है, आपका पर्सनल प्रॉब्लम है ये, लेकिन आपका थिंकिंग मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है बच्चों को क्यों ट्यूशन की आदत लगा रहे आप लोग, सेल्फ स्टडी की आदत उनको बनाए रखे ये बच्चे, हम इसको कभी पढ़ाई नहीं लेते, इसकी 5 साल हो गए, इसकी कोई पढ़ाई नहीं लेने, कोई नहीं लेना रहता, और चलती है टॉप 1-2, 1-2, 3, 1-2, 3, 1-2, 3 में चलती रहती है, और उसको कोई पूछता भी नहीं वैसे रिजल्ट, ये आपके लिए बता रहा हूँ मैं।
और बल्कि उससे बहुत बलवान होता है माइंड, और फिर कुछ हो जाए तो हम पीछे ही खड़े हैं ना। ट्यूशन की आदत अच्छी नहीं है उनको, मतलब मुझे कहना है बच्चे 8 से 5 वहीं पर है आपके स्कूल में, वो आए 2 बजे घर पर आए, वो नॉर्मल लाइफ उनका जा रहा है ना, पढ़ाई ऐसे क्या पढ़ाई, इतना क्या पढ़ाई करना उसमें। घर पर आए खूब अच्छा सात्विक वाचन करे, और जो भी उसको पढ़ना हो तो घर पर पढ़े जितना पढ़ना है उसको, सेल्फ पढ़े अपना अपना, ऐसा मेरा तो थिंकिंग है। आप और विचार कर सकते हैं इसमें, फालतू थकान का काम होता है, और कुछ बात हो तो बोलो। लेकिन आप यदि बेटरमेंट चाहते हो बच्चे की, आपके दिमाग में उसका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, अर्ज उसकी मांग होनी चाहिए अंदर से, दोनों काम हो जाएगा। और कुछ भी किसी भी मोड़ पर कुछ भी करने की तैयारी रखो आप। मैं जानता हूँ पुरुष प्रधान संस्कृति है ये, आप कहेंगे आप क्या अच्छे कौन पूछता है आजकल, लेकिन आप स्वयं को पूछ कर देख लेना, जो हमारी इच्छा है वहाँ पर हम अपने अनुसार कभी कुछ नहीं कराते क्या, कि हर जगह ऐसे ही हमारा रुख है क्या, तो हम बच्चों को उर्दू करें उनका लाइफ का, तो उनको टीवी कह दे तो मेरा स्ट्रिक्ट कहना है वो टीवी के सामने बिल्कुल नहीं जाए। अब कुछ भी करो उसके लिए, आपको 2-5 उपवास करने पड़ सकते हैं, कुछ भी करो आप। मैं तो माइक के चले जाना क्या है इतना, मैं क्या समझाऊ आपको, मैंने मुझे मत बुलाओ मेरे से ये सब बातें। और फिर बुला आने देने के लिए तो आएंगे, फिर कवर साहब वहां पर बुलाओ कवर साहब को, और फिर सब मिलके मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। आप इतनी मांग रखो, मेरी कोई मांग नहीं है लाइफ में दूसरी, बच्चों को मुझे टीवी से दूर रखना है, मेरी दूसरी कोई मांग नहीं है, मेरी इससे बहुत अनइजीनेस बना रहता है। अब मीटिंग करो घर में, बड़े बुजुर्गों का लाज फिक्र वो अपनी जगह रखो, बहुत पोलाइटली बात करो उनसे, बड़े है तो बुजुर्ग है तो पोलाइटली बात करो, मैं ये नहीं कहना रूडली, लेकिन जो सत्य है उसको बरकरार रखना चाहिए किसी भी कीमत पर। फिर उसमें उम्र है, नाता है, रिश्ता है, कोई भी बीच में आए सबको साफ करता चलना चाहिए। हमारा मिशन है, मिशन इज मिशन, उस मिशन में आड़े मत आओ, स्पष्ट क्या होना चाहिए अपना, और कोई खराब थोड़ी बात है हमारी। अब करो आपको सफलता मिलना चाहिए, मुझे अच्छा रिपोर्ट आ जाएगा, नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अभी अच्छा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मेरे कारण आएगा, ऐसा है कि आपको क्रिएट हुई होगी अंदर में, तो की बात है वो ना गोविंद तो माया से। और आपके लिए कुछ भी बात आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। लब्धि चली गई क्या फिर से? चली गई, मैंने लब्धि को आज फिर से पूछ लिया भाई रात क्लास चालू होने के पहले, मैंने कहा बेटा आपको तो गुस्सा आया होगा बहुत, उस बच्ची ईशान को भी पूछ लिया मैंने, तो किसी को कोई गुस्सा वुस्सा नहीं आया है, आप तो अच्छे के लिए समझाते हैं। मैंने कहा अच्छा है, अच्छी थिंकिंग है तो अच्छा है उसमें। और कभी भी रिएक्शन उसका अपोजिट भी आ सकता है, तो हमको थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए। अज्ञानियों को ठिकाने पर आने का भी पेशेंस हमको होना चाहिए। मैं बारंबार कह रहा हूँ, कोई आकर अपनी पीठ थपथपा और प्रॉपर रिजल्ट तुरंत आए, या हम क्यों विचार करते हैं ऐसा, और सालों निकलने पड़ सकते हैं। यू विल हैव टू वेट, पेशेंस इतना चाहिए, 10 साल के बाद रिजल्ट आएगा तब भी पीठ थपथपाएंगे चलेगा, वैसे पीठ थपथपाने के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हम हमेशा कहते। तो आज आप हमारे बारे में क्या सोचते हो, या हमको बिल्कुल इसकी केयर नहीं है। आई हैव नेवर बॉदर्ड वॉट यू थिंक अबाउट मी राइट टूडे, ऐसे बोलते थे वे, इसी भाषा में बात करते थे, और कई दफे बोलते थे। मैं हमेशा उसकी चिंता करता हूँ आगे चलकर आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या दिया। और वास्तव में ऐसा ही होता था, तब हम बहुत कुछ सोचते थे और बाद में बिल्कुल उल्टा हुआ, तो ऐसा ही चाहिए ना हमको। तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट आने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, हो जाएगा सब। और बड़ों को भी शिक्षा मिल सकती है, छोटों से भी कभी ऐसे भी उलट भी सकेगी धारा, सब होता है, सब आकर बदले है माहौलों को। अभी इनकी बहन ने, आपके मौसी ने पूरा छिंदवाड़ा खड़ा कर दिया वहां, माहौल बदल जाता है भाई। और कितने विरोधों से चालू हुआ है, सब जगह विरोध से तो चालू होता ही है, तभी तो लॉन्ग स्टैंडिंग बनता है। कोई सफलता बिना विरोध की लॉन्ग स्टैंडिंग हुआ ही नहीं करती। अब जहां जहां भी देखो, जो लॉन्ग स्टैंडिंग रही है उसमें बहुत विरोध झेलना पड़ा है,
ऐसी थोड़ी हासिल होती है। सोना भी कीचड़ में होता है, कमल भी कीचड़ में आता है, सब ऐसे रत्न के खदाने में घुसना पड़ता है, सब जगह सब बातें हैं, का आगे में घुसना पड़ता है कहीं कुछ कर, सब बातें हैं, कोई सहज साध्य कोई चीज़ नहीं हुआ करती। जो मूल्यवान चीज़ होती है वो श्रम साध्य, समय साध्य, सब सब हुआ करता है उसमें, फटाफट जितना होता है वो कोई मजे वाली चीज़ नहीं हुआ करती। ठीक है।